सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल की सदर्न रेंज टीम ने इंटरस्टेट गन रनिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निवासी एक 60 वर्षीय आर्म्स सप्लायर कासिम अली को 0.32 की 7 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 3 सिंगल शॉट पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस के साथ दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 15 सालों से दिल्ली NCR, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों और कारतूस की तस्करी कर रहा था। आरोपी मध्य प्रदेश से कम दाम में पिस्टल खरीदकर दिल्ली NCR, UP और हरियाणा के गैंगस्टरों को अधिक कीमत में बेचता था। गिरफ्तार आरोपी हैबिटुअल ऑफेंडर है और इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। स्पेशल सेल DCP जसमीत सिंह के अनुसार स्पेशल सेल सदर्न रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन में स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर से अवैध हथियार लाकर दिल्ली NCR में अवैध हथियार सप्लाई करने वालों को दबोचने के लिए अभियान चलाया हुआ था। स्पेशल सेल सदर्न रेंज के तेज तर्रार इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम को इनपुट मिला कि गांव बकरई तहसील रद जिला हमीरपुर UP निवासी 60 वर्षीय कासिम अली अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली NCR में अवैध हथियार सप्लाई करने में लगा हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही स्पेशल सेल सदर्न रेंज के तेज तर्रार इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम ने मैनुअल सर्विलांस से अवैध हथियार तस्कर कासिम अली और उसके सिंडिकेट पर नजर रखनी शुरू कर दी। हथियार तस्कर कासिम अली को दबोचने के लिए टीम ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्पेशल सेल सदर्न रेंज के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम को पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली कि 29 जनवरी 2022 को कासिम नाम का एक कुख्यात हथियार तस्कर दिल्ली में MB रोड पुल प्रहलादपुर रेलवे पुल के पास रात लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच अपने एक संपर्क को अवैध हथियार सप्लाई करने आएगा। सूचना मिलते ही स्पेशल सेल DCP जसमीत सिंह ने हथियार तस्कर कासिम अली को दबोचने के लिए स्पेशल सेल सदर्न रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में SI सतविंदर, SI संजीव, हेड कांस्टेबल तरुण, सुरेश और आश मोहम्मद की एक टीम का गठन किया। टीम ने मेहरौली बदरपुर रोड पर पुल प्रहलादपुर के समीप रेलवे अंडरब्रिज के चारों तरफ जाल बिछाकर अपनी अपनी पोजीशन ली। रात लगभग 8:15 पर हथियार तस्कर कासिम अली एक बैग के साथ पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से आता दिखाई दिया और रेलवे अंडरब्रिज के पास खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। लगभग 10-15 इंतजार करने के बाद हथियार तस्कर कासिम अली चलने लगा। टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 0.32 की 7 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 3 सिंगल शॉट पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। स्पेशल सेल इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने आरोपित के खिलाफ आर्म्स अधिनियम की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें न्यूनतम 10 साल व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर उसे दिल्ली NCR में आपूर्ति करने हथियार तस्करों के खिलाफ सेल लगातार अभियान चला रही है। उसी कड़ी में सेल को यह सफलता भी मिली। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो दिल्ली NCR, हरियाणा व पश्चिमी UP में 15 वर्षों से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। आरोपी ने पूछताछ में आगे बताया कि पहले यह UP के एक हथियार तस्कर के लिए करियर के रूप में काम किया करता था, मगर पिछले 5 वर्षों से इसने हथियारों की तस्करी का अपना नेटवर्क बना लिया था। वो मध्य प्रदेश के मधुवानी से अवैध हथियार निर्माता से अवैध हथियार खरीदता था। ये मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल 10,000 से 12,000 रुपए में लाता था और उसे आगे बदमाशों को 20,000 रुपए में बेचता था। कासिम ने यह भी बताया कि वो 3 साल में दिल्ली NCR में 500 से ज्यादा अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका है। जांच में टीम को यह भी पता चला है कि गिरफ्तार कासिम अली हथियारों की तस्करी के 5 मामलों और दिल्ली NCR समेत UP में ड्रग सप्लाई के 1 मामले में पहले भी गिरफ्तार किया गया था। DCP जसमीत सिंह ने बताया कि स्पेशल सेल सदर्न रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन में आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। उसके सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।